नमस्कार मित्रों, जैसा कि एमपीपीएससी आंसर की आने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में भूचाल मचा हुआ है और लोग तरह तरह की बातें एमपीपीएससी के बारे में कह रहे हैं, लेकिन जो उसमें जो गलत आंसर्स कुछ आए हुए हैं, तो जैसे पिछली बार तक जो इस बार मुद्दा ज़्यादा संवेदनशील इसलिए हो गया कि बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब ऑब्जेक्टिवल सवाल डाले। पहले ऐसा रहता था 3 से 4, 5, इस बार एक रेंज बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन इसमें भी जैसे सोशल नेटवर्क या यूट्यूब पे जो वीडियोस आ रहे हैं उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे सवालों पर भी चर्चा कर रहे हैं, उनके लिए कोई एक अथेंटिक पॉइंट नहीं बन पा रहा। हम उन पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे, उन क्षेत्र पर मतलब चर्चा करेंगे जो वाकई में वजनदार हैं, जिनके बारे में हमारे पास लीगली फैक्ट हैं। तो इसलिए जो भी जिन क्वेश्चन पे हम चर्चा करने वाले हैं उनके लिए जो अथेंटिक सोर्स क्या है। अभी जैसा अभी देखने वीडियो देखने के पहले तक अभी एमपीपीएससी की जो ऑब्जेक्शन वाली लिंक है वो ओपन नहीं हुई है, ठीक है। तो पहले भी पोर्टल चार्ज लगता था, जैसे मान लीजिए 2016-17 से जब से ऑनलाइन ये प्रक्रिया शुरू हुई है तो एक पोर्टल चार्ज 70 रुपये, तो उसमें एक जो वर्डिंग आई है सशुल्क देना पड़ेगा, शायद वो पोर्टल चार्ज का है। लेकिन भ्रम ये हो रहा है शायद, या पेपर में ऐसे जो इंदौर के ब्रांड आदि से पता चला है कि 100 क्वेश्चन पर कैंडिडेट मतलब ऐसा क्वेश्चन के हिसाब से बोल दिया है, इसके कारण थोड़ा सा टूल ज़्यादा पकड़ रहा है मुद्दा। लेकिन अब देखते हैं क्या है एक्चुअली। लेकिन जैसे मान ली हमारे पास जो चाह रहा है, अभी प्रोटेस्ट आदि हो रहा है, शायद एमपीपीएससी के ऊपर ऐसा दबाव बन जाए कि वह मतलब इन क्वेश्चन के बारे में खुद ही मतलब अपनी ओर से सुधार कर पाए। परंतु अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, अगर हमें ऑब्जेक्शन देना होता है तो हम किन प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन, जिनके पास हमारे पास लीगली सोर्स हो। पहला ये क्वेश्चन हमने निकाला, निम्न में से कौन सा मरुस्थल है। अभी तक जो ज़्यादा जो यूट्यूब में वीडियो या जो सोशल नेट पर चल रहा है इस प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया गया है, निम्न में से कौन सा मरुस्थल है, तो इसका आंसर एमपीपीएससी दे रहा है, सिंधु क्षेत्र दे रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे मान लीजिए जो 3 ऑप्शन है उसमें तीनों नदियों के नाम पे हैं, उनके कैचमेंट एरिया के बारे में है, तो जैसा एक सामान्य सी अवधारणा होती है कि नदियों के कैचमेंट एरिया में मरुस्थल कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है मध्य भारत क्षेत्र, जब हम एनसीईआरटी हम देखते हैं तो जो उसमें मध्य भारत क्षेत्र है तो उसमें डिक्लाइन मतलब पूरा प्रिस्क्राइब किया है कि अरावली तक उसका विस्तार है। और जब आप मरुस्थल उसी में पढ़ते हैं कि मरुस्थल कहाँ पर है, तो अरावली के उत्तर पूर्व, इसका मतलब है कि अरावली का जो क्षेत्र तक मतलब और वहां पे मरुस्थल आ जाते हैं, तो वो जो मरुस्थल का जो क्षेत्र है आपका मध्य भारत क्षेत्र कहलाएगा। इसका व्यवस्थित जो विवरण है एनसीईआरटी 11वीं क्लास की है, तो जो कर क्या रहे हैं व्यवस्थित आधार पे कि भाई कि जो भी इसमें कैंडिडेट हैं अगर जो क्लेम करना चाहते हैं तो उन्हें एक बाकायदा फोन नंबर दे दिया जाएगा इस YouTube की वीडियो के साथ में, साथ ही उस WhatsApp ग्रुप का लिंक आपको दे दिया जाएगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, और जो सारे जो सोर्स हैं आप उसमें अटैचमेंट अटैच करके आप क्लेम कर पाएँ, ठीक है। तो इसके लिए चिंता मत की, डिस्क्रिप्शन में WhatsApp ग्रुप का जो लिंक है आपको दे जाएगा, साथ में नंबर भी दे दिए कि कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर दूसरा प्रश्न है, राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता। इस प्रश्न में ये एक चूक हो गई है कि इसमें कहा कि राज्य आयोग, कौन सा राज्य आयोग, एक प्रश्न बनता है कि कौन से राज्य आयोग की बात कर रहे हैं, क्या है मानवाधिकार आयोग के बारे में, लोक सेवा आयोग के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर अल्पसंख्यक महिला आयोग, किस आयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो यहाँ पे मतलब नहीं समझ में आ रहा है। तो एक मतलब पॉइंट बन जाता है कि भाई ये सवाल गलत हो। तो जो संवैधानिक आयोग होते हैं वो अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है वह राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं और राज्यपाल उसे सदन में रखवाता है, जैसे ठीक है। तो सदन विधानसभा, जहाँ पे हमारे यहाँ विधानसभा केवल है तो विधानसभा में रखवाएगा, जहाँ विधानसभा विधान परिषद है वहाँ पर दोनों में रखवाता है। तो यहाँ पे कोई क्लियर पिक्चर ही नहीं दी गई कि कौन सा आयोग है। तो एमपीपीएससी ने राज्य सरकार ऑप्शन दिया है, लेकिन मतलब इस पे मतलब ये सवाल है अगर डिलीट हो सकता है या फिर यहाँ पे राज्यपाल लेना चाहिए, या तो यहाँ पे सीधा क्लियर कर दें कि भाई कौन से आयोग की बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ पता नहीं चल। इन दो प्रश्नों के बारे में अभी चर्चा नहीं हो पा रही, जो एक बहुत लीगल है। अगर हम इसके लिए लक्ष्मीकांत का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन वाले मतलब संवैधानिक आयोग है उनका विवरण प्लस आपका जो आपका लोक सेवा उसका इस ग्रुप में डाल दिया गया है मैटर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं।
तीसरा है कालिका पुराण, किस धर्म संबंधित है, जिसके बारे में दो तरीके के मतलब जो एमपीपीएससी वैष्णव बोल रहा है लेकिन इसका साक्त होगा काली से संबंधित है, और असम जो कामाख्या मंदिर आदि ये मतलब ये साक्त संप्रदाय से संबंधित है। अब है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, यूसुफ मेहर अली है, इस बारी है स्वतंत्रता दिवस की 75 वर्षगांठ थी आदि, इसमें यह मोदी जी ने अपने भाषण में जिक्र किया था, तो यह इस पर मतलब विवाद नहीं बनना था। इसमें महात्मा नेहरू का आंसर देना एक बहुत बड़े तरीके से एक फॉल्ट है, अगर मतलब कुछ हद तक महात्मा गांधी एक भी पॉइंट बन जाता है, ठीक है। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया बुक विश्वसनीय है कि वेल नोन फैक्ट है, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसे भी गलत आंसर आया है। प्लस चरण पादुका ने सही, छतरपुर से है, एमपी का कोई भी बच्चा जो सामान्य सी जानकारी अगर जानता है तो छतरपुर ही लगाएगा। राज्य और राज्यसभा की सीटों का मिलान वाला जो सवाल है, इसमें जो आंध्र प्रदेश है वो अब इसका आंसर होगा, क्योंकि अब इसकी आंध्र प्रदेश की जो 2014 में जब तेलंगाना बन जाने के कारण अब वहाँ पे अब उसकी 11 सीटें हो गई हैं, जो यहाँ पे 18 दी हैं, इसका एमपीपीएससी उड़ीसा से आंसर दे रहा है। जब किसी वेबसाइट से ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण से एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं, इसका जो एमपीपीएससी आंसर दे रहा है वायरस दे रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर मतलब जो ज्यादातर लोगों ने लिखा है डिनाइल ऑफ सर्विस मतलब लगा दिया है, लेकिन इस जो सवाल है इसमें कुछ हद तक वायरस भी कारण हो सकता है, और थोड़ा सा जो फोर्थ ऑप्शन है डी है वो भी प्रॉपर है, तो इसमें थोड़ा सा वेग कम है कि हमारे पास हम इसे क्लेम कर पाए कि यह मतलब उतना ही उचित आंसर हो पाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव 2000 कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई, यह तो अब मतलब बुरी तरीके से रिसर्च हो गया है कि 30 ही हैं, तो ये सवाल हट जाना चाहिए, ये पूरी तरीके से गलत है। अब शुंगवंश मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित है, शुंगवंश मूलतः जो थे आपका यह उज्जैन से संबंधित है, इसके लिए जो एथेंटिक्स बुक्स हैं जिससे मतलब सोर्स निकाल लिए गए हैं, झांसरी मालिक की किताब जो हिंदी माध्यम क्रियान्वयन निदेशालय जो दिल्ली से पब्लिश होती है वहाँ पे है, प्लस अन्य बहुत सारे सोर्सेस में, तो ये सब उस ग्रुप में डाल दिया गया है कि जिससे मतलब हमारे पास एक लीगल पॉइंट रहेगा अगर हमारे लोग क्लेम करें। आज भी वैसे अभी लिंक शुरू नहीं हो पाई ऑब्जेक्शन वाली, देखते हैं मतलब आगे क्या हो रहा है, ठीक है। अब दसवां सवाल, वर्ष 2011-12 2015-16 की जीडीपी की दर क्या थी, सही मतलब यह है जो इसमें जो चारों ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम दोनों आधार पर कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले तो उन्होंने डिक्लाइन नहीं किया है कि करंट प्राइस पे कि मतलब आपकी बेस प्राइस पे किस पे निकालना है, वो भी यहाँ डिक्लाइन नहीं मतलब क्लियर नहीं किया गया है। अगर मान लो दोनों आधार पर हम इनका अगर करते हैं मतलब इनका एवरेज निकालते हैं 5 सालों का, तब भी वो मतलब जो ऑप्शन के आधार पर वो फिट नहीं बैठ पा रहा है, तो मतलब फिर ये आंसर मतलब ये सवाल अलग होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो एक सवाल जो सूरत वाला आया है, सूरत वाला जो था कि इसमें ये प्रश्न पूछा गया कि कहाँ सबसे पहले प्रारंभिक फैक्ट्री लगा, जो कन्फ्यूजन ये हो गया कि मतलब क्योंकि बम्बई यह था बहुत बाद में मिला, 1688 में यह मतलब किसे मतलब ये ब्रिटिश के हाथ में कंपनी के हाथ में आया, तो उसके पहले एक अंदाजा ऐसा हो गया कि कोई फैक्ट्री मतलब रही होगी, आपका प्रेसिडेंसी रही होगी, तो सूरत लोगों ने लगा दिया है। लेकिन जो अभी तक का अनुसंधान मतलब किया है बुक्स में, कोई प्रमाणित किताब उसे क्या है कि प्रेसिडेंसी वर्ड के रूप में सूरत को यूज नहीं किया गया है, तो अगर जिन्हें भी अगर ये मिल जाता है कि प्रेसिडेंसी क्या जैसे मतलब जो प्रमाणित किताब है वहाँ देखा गया वहाँ पर प्रेसिडेंसी वर्ड नहीं है, ठीक है, कि यह प्रेसिडेंसी के रूप में काम किया है इसने, तो अगर मान लो कि इस पर मिल जाता है, वैसे कुछ ऐसे अंदाजा मिला है जैसे बिपिन चंद्रा और कुछ लोगों ने इसमें डाले हैं, लेकिन क्या उतनी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं हो पा रही इसको लेकर के कि मतलब यही अपन एक कह दें कि यही इसका आंसर होगा, ठीक है। कुछ यहाँ पे जो सवाल है भगनी निवेदिता का मतलब एक स्टेटमेंट आया है कि वो पूछा है किसका है, तो एमएमपीपीएससी ने उसे तिलक दिया है, कुछ लोग जो सोशल नेटवर्क है मतलब और इस पर बोल रहे हैं कि भगनी निवेदिता इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन मतलब जो बुक आदि में मतलब वो हुआ स्टेटमेंट भगनी निवेदिता से कंसर्न नहीं किया गया है, तो अगर मान लो किसी को मिल जाता है मतलब सर्च करने के बाद तो वो उस पर क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि एक जो पूछा कि 80 देशांतर रेखा ये किस शहर के पास में है,
लगभग मतलब ऐसा उसमें था कि प्रोडिक्शन की मतलब उसमें पन्ना भी आंसर आ रहा था, कटनी भी आंसर आ रहा था आंसर की में, और लेकिन मध्य प्रदेश ने उसे जबलपुर दिया है। लेकिन कुछ हद तक जबलपुर वो सही है, क्योंकि यह वहाँ से जो जबलपुर से जो देशांतर रेखा जा रही 79.559 मिनट जो जा रही है, तो लगभग एक निकट होता है, कुछ हद तक मतलब वो आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो आपके हैं पन्ना और जो कटनी है 80:17 मिनट और 80:23 मिनट है, जो ग्रुप में डाल दिया गया है बकायदा मतलब इसका मैप सहित। अब आईएमएफ में कितने सदस्य थे, अब इसमें दो तरीके का आंसर आ रहे हैं। एमपीपीएससी 189 किया है कंसर्न, जो मतलब बुक में 189 ही है, जैसे लूसेंट आदि जो भी आप बुक देखेंगे, लेकिन अभी कुछ इसमें शायद रिसर्च वर्क कर लिया है लोगों ने और साइट पर देखा 188 है, लेकिन फिर भी मतलब इस तरीके से ये आंसर एमपीपीएससी का सही ही ठीक है। अब यहाँ पे संसदीय सचिव वाला एक जो सवाल है, अब इसको लेकर कि बहुत ज़्यादा प्रमाणित सोर्स नहीं मिल पा रहा है कि मतलब क्या हो, ठीक है, कुछ इसमें 67 बोल रहे हैं, कुछ इसमें 51 मिला है, और लेकिन क्या है कोई बुक का ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिला है। मतलब हाँ नेट से मतलब लोगों ने कुछ 51 बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 67 में, तो ये सवाल कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरी तरह से अलग हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। तो इस पर अगर मान लो आपको कोई प्रमाणित सोर्स मिल जाता है तो हमें बताएं, ठीक है, लेकिन अभी तक मतलब यह जो 51 एक सोर्स में आ चुका है तो एमपीपीएससी का आंसर इसमें सही हो जाता है। फिर अब इसमें एक डोनाल्ड ट्रंप का आया था, डोनाल्ड ट्रंप ने कब मतलब जो यरूशलम को जो इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दे दी। अब हुआ क्या है कि यह जो एग्जैक्ट डेट है वो 5 दिसंबर 2017 है, ठीक है, एमपीपीएससी ने इसे 6 दिसंबर 2017 को किया है, तो फैक्चुअल लेवल पे यह क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, क्योंकि फैक्ट ये कह रहा है कि 5 है और वो 5 उसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसके आधार पे भी क्लेम किया जा सकता है। ये दर्पण का जो पेज है करंट का वो इस ग्रुप में डाल दिया गया है, ठीक। अब जैसे बचता है कि ये तो व्हाट्सएप की मतलब ग्रुप की लिंक मतलब इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में अटैच रहेगी, प्लस आपको अगर कोई दिक्कत होती है ऑब्जेक्शन में तो इस नंबर पर 9555946531 पर कांटेक्ट करके कर सकते हैं। जो बहुत सारे नए कैंडिडेट हैं उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं ऑब्जेक्शन करने में, ठीक है, फिर भी अब लेकिन अब इससे एक साफ अंदाजा ये हो गया है कि एमपीपीएससी जो सेकंड आंसर की आएगी तो जो जिसके पहले जो कोचिंग आदि से जो चेक किया था लगभग डाटा उसका वहीं पड़ जाएगा, तो थोड़ा सा शांति बनाकर हम जो इतना प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दें और उसे आगे कंटिन्यू करें ये ज़्यादा बेटर है, मैं ऐसा फील करता हूं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो अगर मान लो खुद एमपीपीएससी को ये संज्ञान में लेकर के, क्योंकि पेपर में इतना आ रहा है, तो खुद अपने आत्म सुधार करके वो इन चीज़ों को आपको एरर को खुद सुधार ले तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो क्योंकि हम इससे मतलब माध्यम से संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारत में मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा एकदम हमने गिरा दी है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल वेरी मच।